पॉइंट है जिसमें R1, R3 और ये करंट सोर्स से वोल्टेज है। इस नोड को हमने क्या नाम दिया, इस जंक्शन पॉइंट को हमने V1 का नाम दिया, इसको हमने V2 का नाम दिया। इक्वेशंस इसका इस तरह बनाते हैं कि जो एक जंक्शन होता है, जो एक नोड होता है, उसके साथ जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी रेजिस्टेंसेस अटैच है, उनको कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखते हैं और ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो V1 है इसके साथ क्या अटैच है, R1 अटैच है और R3 अटैच है। सो 1 डिवाइडेड बाय जो R1 की वैल्यू है प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो R3 की वैल्यू, उसको लिखते हैं। R1 की वैल्यू जो है 6 है, सो 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 जो है लिखा, और मल्टीप्लाई पे क्या किया, इस नोड के वोल्टेज से हमने मल्टीप्लाई किया। माइनस म्यूचुअल टर्म को लिखते हैं कंडक्टेंस के फॉर्म में, 1/3 मल्टीप्लाई बाय V2 इज इक्वल टू, अगर करंट जो है वो नोड की तरफ आ रहा हो तो वो प्लस में लिखते हैं, लेकिन अगर नोड नोड के अपोजिट डायरेक्शन में, नोड से बाहर की तरफ जा रहा हो, तो उसको हम माइनस में लिखते हैं। क्योंकि इस करंट का जो एरो है वो नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो क्या है, वो माइनस में। अच्छा, इसी तरह ये वाला इक्वेशन यानी नोड टू के लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जितने रेजिस्टेंसेस इस पॉइंट पे अटैच है उसको कंडक्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1/3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाई V2 लिखेंगे। सो ये 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई V2 लिखा। माइनस म्यूचुअल टर्म लिखते हैं कंडक्टेंस के फॉर्म में, सो माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई V1, क्योंकि दूसरे नोड के साथ जो ये अटैच हो रहा है वो क्या है, वो V1 है। इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे जिस नोड की तरफ करंट आ रहा हो, चूंकि ये करंट जो नोड की तरफ आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, प्लस में लिखते हैं, और दूसरे नोड में करंट जो बाहर की तरफ जा रहा था, इस वजह से हमने माइनस लिखा था। अभी इन इक्वेशंस को जो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, अगर आप पॉइंट्स में ले जाते हो तो पॉइंट्स में ले जाए, और अगर इसी तरह डिवाइड बाई की शक्ल में लिखते हो तो आपकी मर्जी, और फिर आप इसको सॉल्व करते हो। सो इस सर्किट के अंदर अगर आपने V1 मालूम करना हो तो फिर आपको तरीका तो मालूम है, क्योंकि वो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैट्रिसेस के फॉर्म में ले जाओगे, या अगर किसी दूसरे मेथड की मदद से, जिस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसकी मदद से भी कर सकते हो, लेकिन मैट्रिसेस के फॉर्म में ले जाओ तो ज्यादा आसान है। तो आप अगर आपने V1 मालूम करना हो तो उसका मतलब ये है कि इस पॉइंट का वोल्टेज यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक का वोल्टेज, और V2 अगर आप इसके जरिए मालूम कर लो तो उसका मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वोल्टेज, और अगर इस रेजिस्टेंस के अंदर आप वोल्टेज फाइंड करना चाहो जो कि म्यूचुअल टर्म है, तो उसके लिए आपके पास V1 और V2 दोनों मालूम होने चाहिए, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ये जो आ जाता है। तो आई होप सो कि ये अभी आपको क्लियर हो गया कि इसका इक्वेशन किस तरह बनाते हैं। Is there any question? नो सर। ओके सो सर, नूडल का एक सरसरी इंफॉर्मेशन तो कंसेप्ट वाइज, सर मेरा कनेक्शन कट गया था नूडल के हवाले से। जी